सैफनी नगर पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार फैजान खान जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से नगर पंचायत सैफनी में चौमुखी विकास का वायदा कर रहे हैं। फैजान खान ने बताया, सैफनी की काफ़ी समस्याएं हैं, सड़कें, नालियां, शमशान घाट नहीं है, कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं है, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल व्यवस्था सब गड़बड़ाई हुई है। इन सभी समस्याओं को ठीक करेंगे और जो नई बस्तियां आबाद हुई हैं वहां पर बरसात के मौसम में 3 से 4 फीट पानी भर जाता है, उसका भी इंतज़ाम करेंगे। फैजान खान ने कहा, सैफनी नगर पंचायत की जनता का उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है, इसलिए ऐतिहासिक जीत पक्की है। मुद्दे यहाँ काफ़ी सारे हैं, शिक्षा है, सड़कें हैं, पानी है, सरकारी अस्पताल हैं, चिकित्सा सुविधा यहाँ इतनी बेहतर नहीं है और बुनकर भाइयों के यहाँ कुछ मुद्दे हैं। शमशान घाट का एक मुद्दा है, शमशान घाट यहाँ नहीं है, कब्रिस्तानों की बाउंड्री यहाँ पर नहीं हुई है। ये सारे मुद्दे हैं और भी इसके अलावा काफ़ी मुद्दे हैं जो जनता के बीच में हमें रहकर पता चले हैं। सड़कें नालियों का क्या हाल है? सड़कें नालियों का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा हाल नहीं है, काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। जो यहाँ नई बस्तियाँ बनी हैं वहाँ पर जब बरसात होती है तो 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता है, लोगों को घर के जाने का रास्ता बंद हो जाता है। वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ कच्ची ऐसे ही बना रखा है। अच्छा, नगर पंचायत का ये पहला चुनाव होने जा रहा है, किस तरह की चुनौतियाँ हैं आपके सामने? चुनौतियाँ तो बस विकास की हैं, चुनौतियाँ हमारी खुद से हैं, हमने पहले भी यहाँ काम किया है। चुनौती यही है कि अगर जनता चुनती है तो बहुत बेहतर तरीके से जनता के साथ खड़े रहना है, उनके हर काम में उनके आना है और जनता के कंधे से कंधे मिलाकर हमें चलना है। बस यही जनता का साथ देना है, यही चुनौती है। आपके सामने और भी प्रत्याशी हैं? जी। किससे मुकाबला में? मुकाबला मेरा खुद से है, अच्छाई से है, अच्छे काम करने से है, खुद को इतना बेहतर बनाना है। जो लोग आज हमारे लिए यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं, ये सोचना है कि उनके किस तरीके से हम काम आ सकें, बस्ती के कैसे हम काम में आ सकें, बेहतर बस्ती को हम कैसे बना सकें, अपने नगर को हम कैसे अच्छा बना सकें, बस यही चुनौतियाँ हैं। 4 तारीख को मतदान है, सैफनी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करूँगा कि वो देखें, अगर वो मुझे इस काबिल मानते हैं कि मैं कुछ विकास कर सकता हूँ, उनके किसी काम आ सकता हूँ, तो उनसे यही अपील करूँगा कि आने वाली 4 तारीख को समाजवादी पार्टी को अपना कीमती वोट देकर मुझे और पार्टी को कामयाब बनाएं।